साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में बढ़ती हुई गरीबी बेरोजगार युवाओं की वजह से है। यदि जो भारत में बेरोजगार युवा हैं, यदि उनको सही तरीके से रोजगार मिल जाता है तो ये गरीबी कम हो सकती है। अब रोजगार कहाँ से मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार तो आए दिन जो रोजगार में कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी नौकरियों से ही उनको निकाल रहे हैं, तो इसमें और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन और तनाव बढ़ता जा रहा है, घर में कलह कलेश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। ये तो मानक जो थे ये सरकार को पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, नौकरी देने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या गुणवत्ता चाहिए, कैसे ये एफिशिएंट हो सकते हैं, जिसको हम रोजगार दे रहे हैं क्या ये इस काबिल हैं या नहीं है, ये डिस्टेंस लर्निंग से पास होकर के आए हैं या इन्होंने कहीं पैसों से डिग्री हासिल की है या इन्होंने कहीं अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की है। वैसे तो भारतवर्ष में IIM और IIT जैसे बहुत संस्थान हैं, हजारों ऐसे संस्थान हैं, लेकिन फिर भी वो लाखों रुपए लेकर के डिग्री बांट रहे हैं। साथियों, इस बात पर गौर कीजिए, जो डिग्री पैसे से लेकर के आ रहा है वो चाहे भले ही क्लर्क हो या अधिकारी हो या सहायक हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे बैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे एडवोकेट हो या जज हो या अध्यापक हो या कोई और हो, यदि गलत तरीके से शिक्षा उसने प्राप्त की है तो वो आने वाले भविष्य का जो विद्यार्थी है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकता है। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है, कहीं पर भी ऑफिस में काम करते हैं लेकिन ऑफिस की ड्राफ्टिंग करनी नहीं आती है, या बहुत सारे अधिकारी ऐसे आपने देखे होंगे जिन्होंने पहले छोटे पद पर नौकरी हासिल की लेकिन कहीं डिस्टेंस लर्निंग करके किसी MP और MLA के यहाँ पर थोड़ी सी फटी करके या चापलूसी करके या वहां पर रिश्वतखोरी करके और एक बड़े पद को हथिया लिया है, लेकिन बड़े पद की गरमा उनको पता नहीं है। साथियों, यदि ऐसा ही होता रहा तो इस देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 100 साल बाद इस देश की स्थिति क्या होगी ये आप सब जान सकते हैं। इसका सबका सूत्रधार है कि जिस देश की शिक्षा पद्धति ठीक होगी वह देश, चाहे वो जर्मनी है, जापान है, चीन है, अमेरिका है, इन देशों से हमें सीख लेनी चाहिए कि ये किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और हम भारतवर्ष में रह करके किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। हम पुरानी पद्धति पर ही चले आ रहे हैं। हम आज अध्यापक क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, उन स्कूल में 2000-3000 का टीचर रख लेते हैं, वहाँ बच्चों की मार पिटाई करके उनको 10-5 प्रश्न रटवा देते हैं और उसी का पार एवोल्यूशन करके उसको अगले क्लासों में भेजते रहते हैं। ऐसा करने से क्या बच्चा बुद्धिमान हो जाता है? ऐसा करने से क्या बच्चा समाज और सोसाइटी को कुछ बेहतर दे पाएगा? जब तक हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे, रोजगार परक शिक्षा नहीं देंगे, कंप्यूटर का ज्ञान, यदि कंप्यूटर की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं, तो उसका शिक्षा में देनी होगी ना। आज जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको भी कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, कई बार नेट नहीं आ रहा, तो कई बार नेट जो उसमें चार्ज है वो खत्म हो गया है, कई बार उसकी वर्किंग चली गई है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। इन परेशानियों का समाधान करके ही इस देश को उन्नतशील और विकासशील बनाया जा सकता है और इसकी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान को अपना काम का ज्ञान होगा तो कभी भी किसी सीनियर अधिकारी को मौका नहीं देगा, ना किसी पब्लिक के आदमी को किसी प्रकार का कहने का मौका मिलेगा। तो इसलिए साथियों, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि शिक्षा पर जोर दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे स्कूल में जहां पढ़े लिखे अध्यापक हो, जहां का वायुमंडल ठीक हो, जहां वातावरण ठीक हो, जहां का परिणाम अच्छा हो, जहां एफिलिएशन ठीक हो, ऐसे विद्यालय में, ऐसे महाविद्यालय में आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों से यदि प्यार करते हो तो उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इन बातों के साथ में, क्योंकि आज का जो युवा आएगा यदि वो गुणवत्तापूर्ण होगा तो नौकरियों की कोई कमी नहीं होगी। आज नौकरियों की कमी इसी प्रकार से है कि प्राइवेट सेक्टर में जब वो जाता है
है उससे एप्लीकेशन लिखवाते हैं तो एप्लीकेशन लिखी नहीं जाती। जब उससे कोई हिंदी इंग्लिश में बात करके देखते हैं तो उससे बात करने का तरीका नहीं आता है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। नौकरी नहीं मिल पाती है तो कलह कलेश का कारण होता है, बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है, जिससे कि हमारे घर टूटते जा रहे हैं और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और हमारे देश में गरीबी भी बढ़ती जा रही है। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोग इससे शिक्षा प्राप्त कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।